नेशन 24 आम और खास की आवाज। नेशन 24 क्राइम, राजनीति, खेलकूद, कला एवं संस्कृति की पूरी और पक्की खबर। नेशन 24 के साथ समाज के सकारात्मक बदलाव के लिए नेशन 24 सच सर्वत्र। पीएमसीएच में भर्ती सना को आज धूमधाम के साथ हॉस्पिटल से विदाई दी गई। बोरवेल में गिरी सना की हालत में काफी सुधार हुआ है। इलाज में लगे डॉक्टर के मुताबिक शिशु वार्ड में सना की विदाई की गई। बताया जाता है कि बोरवेल में गिरी सना को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। सना के ठीक होने की खुशी में हॉस्पिटल प्रशासन उसे धूमधाम के साथ विदाई देना चाहते थे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद पप्पू यादव ने सना से हॉस्पिटल में मुलाकात की थी। सना पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत थी। इसके चेहरे पर आई सूजन का इलाज चल रहा था, इसमें अब काफ़ी कमी है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टरों ने ज़रूरी टेस्ट भी किए, सभी के रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि सना को अब बिल्कुल स्वस्थ और उसे घर के माहौल की ज़रूरत है। मालूम हो कि मुंगेर की ये बच्ची सना बीते 1 अगस्त को 40 फीट बोरवेल में गिर गई थी। इसे काफ़ी मशक्क़त के बाद NDRF और SDRF की टीम ने 30 घंटे बाद बाहर निकाला था। तो आज ठीक हो गया जानिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्यार नहीं कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। डॉक्टरों के ने किस तरह से मेहनत किया है आपके बच्चे? बहुत डॉक्टर ने दिन रात एक करके मेहनत किए हैं सभी डॉक्टर ने। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत मदद की गई सरकार की तरफ से। डॉक्टरों ने भी मदद की। क्या कुछ कहेंगे, आज जा रहे हैं घर आप? बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। सबकी तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिला। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमारी बेटी का एक एग्जाम्पल है कि प्रशासन क्या कुछ कर सकती है, बशर्ते आप उनसे कॉर्डियली हेल्प मांगो तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल पूरे देश। तो अब सबसे पहले जब घर जाएगा तो क्या कीजिएगा? मंदिर जाएंगे, पहले तो पूजा करेंगे। मंदिर जाएगा, पूजा कीजिएगा। बाबू तब घर जा रहे हो? बताओ बताओ बेटा। हाँ, घर जाके क्या करोगे? क्या करेगी बेटा बताओ, घर जाके क्या करोगे? घर जाके क्या करेगी? खेलेगी। चला है काफी, अब ठीक हो गए, घर जा रही हैं। आप लोग ने भी काफी मेहनत की, क्या क्या कुछ कहेगा? देखिए, जिस स्टेज में ये आई थी तो हम लोग की बहुत बड़ी जवाबदेही थी कि सना हमारे विश्वास के साथ सरकार हमारे पास भेज रही है पीएमसीएच में, और इस बच्चे को हम लोग ठीक करके यहाँ से सकुशल भेजे, ये हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही थी। इस काम में आप लोगों का सहयोग रहा, प्लस सभी का सहयोग से बच्ची ठीक होकर हमारे यहाँ से जा रही है। एक अपनापन भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये शायद की सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर से आई है, मैं भी मुंगेर की हूँ, हमारी बच्ची भी मुंगेर से आई थी, ये हमारे लिए बहुत अपनी जैसी ही थी, इसलिए इसके साथ एक इंटरनल लगाव भी जुड़ गया था हमारा। अब पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अच्छी पूरी तरह से ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है? और हाँ, इसे दवाई हम लोग जो है पूरा हम लोग प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं सर लोग, और उसके हिसाब से बच्चे का चलेगा, दवाई वगैरह खाना पीना जो हम लोग सब लोग बता दिए हैं। और बच्चों को एक्चुअली इसको घर का इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि वो जो गिरी अंदर और यहाँ हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, बच्चा भी थक गया है और घबरा गया है, तो घर जाएगी फिर अच्छा खाना मिलेगा, घर का इन्वायरमेंट मिलेगा, तो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। बीच बीच में तो चेकअप के लिए शायद? बिल्कुल, हम लोग उसके लिए एकदम फ़ोन भी सेट भी दे दिए हैं, चोटी सर दे दिए हैं, प्लस सुप्रिंटेंडेंट सर का नंबर है हम लोगों का है, कि जब भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, किसी समय भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बीच में आने के लिए बोला गया? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के लिए बोला गया। नेशन 24 के लिए पटना से प्रीति सिंह के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।